हर साल गूगल की टॉप सर्च में रहने वाला वर्ड बिटकॉइन, और ऐसा क्या रीजन है कि ये वर्ड इतना ज्यादा सर्च हो रहा है, और एक्चुअल में बिटकॉइन है क्या? तो बिना किसी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज किए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें, आपको कोई भी पैसा क्यों देता है? आपको कोई पैसा तभी देता है जब आप उसके बदले में कोई वैल्यू ऐड करते हैं, कोई काम करके देते हैं। ऑफिस में भी आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप कोई काम करते हैं, उस कंपनी के लिए कोई वैल्यू ऐड करते हैं। एक दुकानदार को भी पैसा तभी मिलता है जब उसके बदले में कोई सामान देता है। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप कोई वैल्यू ऐड करें या उसके बदले में कोई काम करें। एक तरह से मनी इज इक्वल टू वैल्यू, और टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता रहा है। जैसे पहले के टाइम में लोग अनाज और गेहूं देके काम कराते थे, फिर लोगों ने धीरे धीरे उन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जो लंबे समय तक खराब ना हो, उनकी वैल्यू ज्यादा हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन गोल्ड को भी कैरी करना आसान नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जिसमें आपको गोल्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, और उस रिसिप्ट के बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और फिर वही रिसिप्ट आगे चल के पेपर मनी में कन्वर्ट हुई। फिर लोगों ने मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी सामान की बजाय गवर्नमेंट के एक प्रॉमिस पे ट्रस्ट किया। मैं धारक को इतना अमाउंट पे करने का वचन देता हूँ। इस प्रॉमिस के जरिए गवर्नमेंट ने यह बताया कि आप इस नोट को लेकर अगर कहीं जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट नोट प्रिंट करके सबकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर देती? मान लीजिए 1 किलो आलू बचे हैं और उसको लेने वाले जितने भी लोग हैं सबके पास 1 लाख रुपए हैं, तो वो आलू उसको मिलेगा जिसके पास 1 लाख रुपए से ज्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिकली आलू की कीमत 1 लाख से ज्यादा हो गई। तो अगर गवर्नमेंट नोट छाप के सबको बांट भी दे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उससे सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब रिसोर्सेज पूरे होंगे। फिर धीरे धीरे पेपर मनी डिजिटल मनी में कन्वर्ट होने लगी, लेकिन डिजिटल मनी में भी सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि ट्रांजेक्शन का ट्रैक रखना। अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं तो दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाएं, और ऐसा ना हो कि दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाएं और आपके अकाउंट से कटे ही ना। तो इन सब चीजों का ट्रैक रखने के लिए एक सेंट्रलाइज बैंक सिस्टम बना। लेकिन इस सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम में भी चैलेंजेस हैं। जो पैसा आप बैंक में सेव करते हैं उस पैसे को बैंक इन्वेस्ट करता है, और अगर उस इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हो जाए तो आपका पैसा रिस्क पे आ जाता है, जैसे कि PNC बैंक के केस में हुआ। लोग अपना ही पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रहे थे। 2008 में लेमन ब्रदर्स जब नुकसान में आया था, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पूरे ग्लोबल लेवल पे एक रिसेशन आ गया था। अगर आज की डेट में सब लोग एक साथ बैंक से अपना पैसा मांगने लगे तो बैंक दे ही नहीं सकता। आपके अकाउंट में जो बैलेंस शो करता है वो एक्चुअल में एक नंबर होता है जिसकी एग्जिस्टेंस बैंक पैसा रोटेट करके मेंटेन करता है। एक तरह से आप अपने पैसे का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे होते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत तो होती ही है, और क्योंकि कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट इस पूरे पैसे को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व होता है। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपके पैसे के लीगल स्टेटस को भी हटा सकती है, जैसा कि हमने डीमोनेटाइजेशन में देखा। अक्टूबर 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, और जिसने उस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया था उसने अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताया। अब एक्चुअल में सतोशी नाकामोटो है कौन, ये आज तक नहीं पता चल पाया। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ने सजेस्ट किया जो हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम है उसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो करंटली हमारा बैंक एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के सारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो, उसका एक ऑल्टरनेटिव भी देखा जा सकता है बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। वैसे कई सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे बिटकॉइन का एग्जांपल लेके चलेंगे। जब आप पेटीएम से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जनरली वो रिवॉर्ड पॉइंट्स पेटीएम के अंदर यूज होते हैं। अगर वो रिवॉर्ड पॉइंट्स बाहर यूज होने लगे और हर कोई उसको एक्सेप्ट करने लगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सेम यही चीज होती है बिटकॉइन के केस में। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। आगे चल के उसकी एग्जिस्टेंस किस लेवल पे होगी ये डिपेंड करता है कि उसकी एक्सेप्टेंस कैसी है, लोग उसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहां कहां एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, उसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब आप कोई बिटकॉइन खरीदते हैं इसका मतलब आप एक स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस खरीदते हैं जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हैं एक दूसरे स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस पे। बिटकॉइन एक ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर है, इसके लिए आपको बैठ के प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं करनी है। इसकी एल्गोरिदम भी ऑटो रन पे चलती है, लेकिन एल्गोरिदम रन कराने के लिए भी सिस्टम और कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, और इतने बड़े लेवल पे हजारों कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, और इन हजारों कंप्यूटर्स को मेंटेन करने के लिए एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी तो बात घूम फिर के वही बैंक वाले स्ट्रक्चर पे आ जाएगी कि सारा कंट्रोल एक थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बिटकॉइन माइनिंग का कॉन्सेप्ट आया। इसमें लोग अपने कंप्यूटर्स लगा के एल्गोरिदम रन कराते हैं, और जब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होती है तो एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइंस मिलते हैं। क्योंकि ये सारा सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूटेड और ब्लॉकचेन की फॉर्म में है, तो इसमें किसी एक इंस्टीट्यूट या एंटिटी के पास पावर जाना या फिर हैक होना, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर बिटकॉइन माइनर्स ऐसे ही बिटकॉइन जनरेट करते रहेंगे तो बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी जो मैंने आलू वाले एग्जांपल में समझाई थी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए पहले से ही ये कंफर्म है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन जनरेट नहीं होंगे। एक बिटकॉइन माइनर को कितने बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलेगा ये डिपेंड करता है कि कितने लोग कंप्यूटर लेके बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं। 2009 में 200 बिटकॉइन आप 2 से 3 दिन में जनरेट कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में अगर आपको एक बिटकॉइन जनरेट करना है तो उसके लिए आपको 150 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। अब बिटकॉइन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? पहली चीज, हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता। दूसरी चीज, गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है।
तीसरी चीज ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल इन नेचर है, हर 30 सेकंड में इसकी वैल्यू चेंज होती है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए और उसको आपको वापस करना है तो उतनी देर में उसका प्राइस चेंज हो चुका होगा। अब दुकानदार के सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि उसको रिटर्न में पैसे कितने वापस कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो हो सकता है आगे चल के इसमें कोई मैकेनिज्म बन जाए। इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या बिटकॉइन इंडिया में लीगल भी है या नहीं। तो इसका जवाब है बिटकॉइन इंडिया में लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। इसका मतलब जो भी आप ट्रेडिंग या परचेजिंग करेंगे तो इसमें सारा का सारा रिस्क आपका होगा। गवर्नमेंट इसके रेगुलेशन बनाने पर काम कर रही है लेकिन उसका कुछ आउटकम अभी आया नहीं है। 5 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने सारे बैंकों को एक नोटिस जारी किया जिसमें यह मेंशन था कि जितनी भी एंटिटीज क्रिप्टो करेंसी में डील कर रही है उनको आप अपनी सर्विसेज ना दीजिए, यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर इस चीज को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और 2 साल ये केस चला और इसको जीत लिया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज।